सीएमएचओ सुकमा की तरफ से एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है। 18 तारीख की डेट पर यह प्रेस विज्ञप्ति आई है और इसमें एनएचएम के अंतर्गत जो विज्ञप्ति जारी की गई थी, जिसमें आवेदन पत्र मंगाए गए थे, उसकी एक पूरी सूची जारी हुई है। इस सूची में पात्र और अपात्र दोनों तरह के अभ्यर्थियों के नाम हैं। आपको अपना नाम देखना है और अगर इसमें किसी तरह की कोई दावा आपत्ति बनती है तो दावा आपत्ति को प्रस्तुत करना है। याद रखें, ये जो आवेदन पत्र मंगाए गए थे ये CHO के लिए थे, चीफ हेल्थ ऑफिसर के लिए। अब इसमें क्या क्या बातें लिखी हैं इस पत्र में वो हम समझ लेते हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत विभिन्न रिक्त पदों की पूर्ति के लिए मिशन संचालक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन रायपुर के आदेश क्रमांक NHMHR 2023 NS 425387A नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 11/5/2023 के परिपालन में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला सुकमा के विज्ञापन क्रमांक 31/8/2023 के आधार पर विज्ञापित विभिन्न पद के विरुद्ध आवेदनों की जांच के बाद पात्र पात्र की सूची तैयार की गई है और ये सूची तैयार करके मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला सुकमा के कार्यालय नोटिस बोर्ड पर चस्पा कर दी गई है। आप अगर सुकमा तक नहीं जाते हैं या नहीं जा पा रहे हैं तो पात्र पात्र की सूची सुकमा जिले के वेबसाइट पर भी देखी जा सकती है। इसके अलावा आपकी सावधानी और सहूलियत के लिए मैं इसे एक डिस्क्रिप्शन लिंक के माध्यम से इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे रहा हूँ। आप चाहें तो वहाँ से भी उसे डाउनलोड कर लें और डाउनलोड करके उसकी स्टडी कर लें। सूची में किसी भी प्रकार की अगर आपको आपत्ति हो या आपको लगता है कि आप इस सूची से संतुष्ट नहीं हैं तो निर्धारित प्रारूप है, उस प्रारूप में आप अपना दावा आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। अगर आप दावा आपत्ति प्रस्तुत करना चाहते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि आप 23 सितंबर से पहले पहले शाम 5 बजे तक आपका जो दावा है या जो आपत्ति है वो संबंधित विभाग को मिल जाए। भेजने का जो तरीका होगा उसके लिए उन्होंने ईमेल को च्वाइस किया है और ईमेल आईडी दिया है dm.sukma2015@gmail.com। इस ईमेल आईडी पर प्रस्तुत करेंगे और उसके लिए एक निर्धारित प्रारूप है, उस प्रारूप में अपनी सारी जानकारी आप लिखेंगे, लिख करके फिर उसको मेल करेंगे। दावा आपत्ति में कोई भी नया दस्तावेज स्वीकार नहीं किया जाएगा। यदि किसी किस्म की कोई लिपिकी त्रुटि रह गई हो तो उसे ज़रूर सुधारा जाएगा। दावा आपत्ति ईमेल आईडी के माध्यम से ही होगा। निर्धारित तिथि के अंदर अगर आप आपत्ति दर्ज करते हैं तो आपका आपत्ति या दावा स्वीकार किया जाएगा। दस्तावेज सत्यापन एवं साक्षात्कार के लिए 29 और 30 सितंबर की तिथि संभावित है और इसके लिए आपको चाहिए कि आप डिस्ट्रिक्ट वेबसाइट को लगातार चेक करते रहें, अपडेट रहें, ताकि आपसे ये मौका छूटे ना। तो 29 और 30 तारीख को संभावना है कि आपके साक्षात्कार और दस्तावेज सत्यापन किए जाएंगे, मगर उसके पहले अगर आपने आवेदन किया है और आप इस पात्र पात्र की सूची से संतुष्ट नहीं हैं तो आप अपनी दावा आपत्ति निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। तो मित्रों, ये थी वीडियो जिला सुकमा की तरफ से प्रकाशित की गई थी स्वास्थ्य अधिकारी की तरफ से। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जानकारी स्पष्ट होगी। अगर आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उसके थ्रू डाउनलोड करके इस पूरे PDF की स्टडी कर सकते हैं। नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।